अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कामरान और CSS3 क्रेडिट कार्ड एनिमेशन ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज के इस ट्यूटोरियल में हम CSS3 के ज़रिए क्रेडिट कार्ड एनिमेशन इनपुट फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एज़ यूजुअल जो सेटअप है जो रिएक्ट जेएस का मैं करता हूँ वो हमारे पास ऑलरेडी सेटअप्ड है। उसमें जेक्यूरी ट्रांजिट, रिएक्ट जेएस और रिएक्ट डॉम डेवलपमेंट वगैरह ऑलरेडी सेटअप है। उसके बाद मेरे पास जो कोड डॉट जेएस है उसमें एक डिव हमारे पास फॉर्म क्लास के साथ ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड पोजीशन से और यहाँ पर ऐड करते हैं डॉट फॉर्म, और उसके बाद फॉर्म में हमें चाहिए डिव क्लास नेम सीसी क्रेडिट कार्ड के लिए, और उसके बाद हमें चाहिए है जी पोजीशन एब्सोल्यूट। इसमें हमारे पास एक्चुअली दो साइड्स होंगी। अगर हम क्रेडिट कार्ड को देखें, लाइक मैं जाता हूं आइकॉन फाइंडर पर, और आइकॉन फाइंडर पर जाने के बाद इसमें सर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड, और इसमें हमारे पास है मास्टर कार्ड का क्रेडिट कार्ड यहाँ पर मौजूद है। इसकी ये बैक साइड है और इसकी जो फ्रंट साइड है उसको भी ले लेते हैं जी। लेट्स से मास्टर कार्ड का जो ये फ्रंट है इसको यूज़ करेंगे और बैक साइड भी इसी की यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सीसी जो है हमारे पास अभी के लिए हम जस्ट फॉर्म में डॉट सीसी ऐड कर लेते हैं वेरी क्विकली, और इसको रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करने के बाद आते हैं जी रूट में। उसमें हमारे पास सीसी है, इसको सेलेक्ट करते हैं, और सॉरी उससे पहले फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं विड्थ 400 पिक्सल्स, मार्जिन 0 ऑटो, और उसके बाद इसका बैकग्राउंड देते हैं जी लेट्स से लाइट ग्रे, और इसकी हाइट देते हैं 500 पिक्सल्स। उसके बाद इसको कहते हैं टॉप से 50% और लेफ्ट से 50%, और ट्रांसफॉर्म करते हैं ट्रांसलेट -50% और -50%। उसके बाद इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5 पिक्सल्स का, और इसकी विड्थ आई गेस 500 ठीक रहेगी। उसके बाद इसकी CSS एज यूजुअल यहां से कॉपी करके अपनी CSS में सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको देते हैं विड्थ लेट्स से 300 पिक्सल्स और हाइट 250 पिक्सल्स। बैकग्राउंड देते हैं जी लेट्स से पर्पल, और बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 5 पिक्सल्स, और इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम करते हैं ताकि ये कुछ क्रेडिट कार्ड की शक्ल देना शुरू हो जाए। उसके बाद इसको हम बजाय एब्सोल्यूट पोजीशन के इसको रिलेटिव पोजीशन देते हैं, क्योंकि हमने इसके पेरेंट को फिक्स पोजीशन से सेंटर किया हुआ है। हम कहते हैं मार्जिन 0 ऑटो और मार्जिन टॉप है हमारे पास लेट्स से, इसको मार्जिन भी नहीं देते, फॉर्म की जो पैडिंग है वो ऐड कर लेते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल्स। ओके, जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड है इसको देते हैं मार्जिन टॉप राइट ऑटो, बॉटम 0 और लेफ्ट भी ऑटो, और टॉप से इसको देते हैं 10 पिक्सल्स।
उसके बाद इसको करते हैं सॉरी इसका कलर भी माइनर सा चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद इसको करते हैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद सीएसएस में इसकी सीएसएस सेव कर लेते हैं। उसके बाद अगर मैं वेरी क्विकली यहाँ पर सर्च करता हूँ मास्टर कार्ड वेक्टर, और उसके बाद इमेजेस में जाते हैं, तो हमारे पास जो मास्टर कार्ड का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से है। इसमें हमारे पास सिम है, और उसके बाद हमारे पास मास्टर कार्ड का लोगो है, और उसके बाद उससे नीचे हमारे पास जो उसकी दो बार्स ऐड की हुई हैं। तो वापस आते हैं अपने कैड कार्ड में, आई गैस इसको 180 की जगह, हाँ 190 ठीक रहेगा। उसके बाद हमें चाहिए है इसमें मास्टर कार्ड का लोगो, तो मास्टर कार्ड का जो लोगो है उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे div क्लास नेम लोगो एब्सोल्यूट, उसमें हम ऐड करेंगे div क्लास नेम c1, ये होगा हमारे पास सर्कल 1, और उसके बाद हम इसमें इसमें हम ऐड करेंगे c2 जो कि होगा सर्कल 2। उसके बाद आते हैं वापस code.css में .form.ccc और उसमें c1, और उसके बाद हमारे पास c2 है। इसके अलावा हमारे पास है इसमें लोगो, तो जो लोगो है जी उसमें हमारे पास आ जाते हैं, हम ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं, और इसमें हमारे पास जो cc है इसको आई गेस मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट की जगह रिलेटिव करना भूल गया हूँ, इसको वेरी क्विकली चेंज कर देते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, और इसमें हमारे पास जो cc में लोगो है उसको करते हैं टॉप से 30 पिक्सल्स और राइट से भी 30 पिक्सल्स। उसके बाद हमारे पास जो c1 है इसको सेलेक्ट करते हैं, इसकी विड्थ देते हैं 40 और इसकी हाइट देते हैं 40 पिक्सल्स, और इसका बैकग्राउंड है जो कि हमारे पास मास्टर कार्ड का टिपिकल जो कलर है विविड ऑरेंज, उसका कुछ हैश है FFF5F00। उसके बाद इसको देते हैं बॉर्डर रेडियस 100% और इसको आई गेस 45 तक ले जाते हैं। ओके गुड। उसके बाद मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो हमारा कार्ड है इसका जो बैकग्राउंड है इसको ग्रे कर देना चाहिए अभी के लिए, या डार्क आई गेस, वेल अभी इसके लिए इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, या फिर कुछ तरह, एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास कलरिंग है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। ओके अभी के लिए ये ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास c1 का css है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको c2 में पेस्ट कर लेते हैं, और जो हमारे पास सेकंड लोगो सॉरी सर्कल है उसका हेक्स कोड F79E1B। ओके अब जो हमारे पास लोगो है इसको हम फ्लेक्स क्लास अप्लाई करते हैं जो कि एक्चुअली बाद में हम ऐड करने वाले हैं, तो इसको सेलेक्ट करते हैं C1 और हमारे C1 में इसको ला के कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, और जो हमारे पास C2 है उसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉप्स में IBL जो हमने क्लास बनाई थी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वो हम इसमें ऐड कर देते हैं IBL और C2 में भी IBL, ताकि जो हमारे पास लोगो है वो
properly appear ho aur main isko save karna miss kar gaya hu to right say 30 pixels or maybe 20-20 is good. Okay, uske baad hamare paas jo c1 hai aur c2 hai isko hum karte hain left se 0 pixel aur isko negative mein le jate hain aur ye actually apply is wajah se nahi ho raha ki hum c2 ibl mein position relative dena hame chahiye taaki wo proper show ho aur iske baad hame chahiye hai ji iska jo color agar main check karta hu master card vector to aap dekh rahe hain ki hamara jo iska red color hai wo niche hai aur jo orange hai wo iske upar hai to usko hum set up karenge aur sath mein humne ye check karna hai ki hamare paas jo orange hai wo minor sa transparent hai to hum iski opacity karte hain thodi si kam aur baki hamare paas all setup hai isko rgb mein convert karke aur isko copy karte hain ji aur c2 mein la kar isko relative code.css c2 में जो हमारे पास कलर है वो हम चेंज कर देते हैं और ये जो इतना लंबा हेक्स कोड है उसको चेंज करते हैं उसके अलावा इसमें हमने ऐड करना है लेफ्ट नेगेटिव 20 पिक्सल्स और जो लोगो है उसको भी हम टॉप से 20 पिक्सल्स और राइट से 20 पिक्सल्स ऐड कर लेंगे तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यहां तक हमारे पास जो मास्टर कार्ड का आइकॉन या लोगो है वो भी ऐड हो चुका है तो अब चूंकि मैंने जो हमारे पास ऑरेंज सर्कल है इसको हमने नेगेटिव में 20 पिक्सल्स दिया है तो जो हमारे पास लोगो है उसको भी हमने थोड़ा सा राइट पर 0 पिक्सल कर देना है ताकि वो उस नेगेटिव 20 पिक्सल्स की जगह ले ले उसके बाद हमें चाहिए है सिम आइकॉन तो अब हम क्या करते हैं जी के आइकॉन फाइंडर से हम सिम का आइकॉन सेलेक्ट सर्च करते हैं और इसमें लेट्स से जो हमारे पास ये सिम कार्ड है इसको हम करते हैं डाउनलोड PNG और ये मेरे पास सेव हो रहा है जी सी में WAM64WW और क्रेडिट कार्ड और मैं अभी के लिए इसको यहीं पर सेव कर लेता हूं फोटोशॉप को क्विकली स्टार्ट करते हैं और इसमें से इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट और फोटोशॉप टुरू ओके उसके बाद जो हमारे पास जो हमने सिम कार्ड आइकॉन डाउनलोड किया है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फोटोशॉप में और इसमें से जो हमारे पास मैजिक वांड टूल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और जस्ट जो हमारे पास सिम कार्ड की सिलेक्शन है उसको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके सब सिम कार्ड जो है इसको का जो के जो पीसेस हैं इसको यहां से कट करेंगे और नई फाइल बनाकर इसमें पेस्ट कर देंगे उसके बाद करते हैं इस पर राइट क्लिक ब्लेंड ऑप्शंस और कलर ओवरले और वो कर देते हैं वाइट और आई गेस वाइट की जगह इसको माइनस येलोइश कलर दे देते हैं उसके बाद इसको करते हैं जी सेव और एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब ओरिजिनल सेव और दिस पीसी सी वैप www क्रेडिट कार्ड और इसमें सिम के नाम से इसको सेव कर लेते हैं इसको यहां से मूव करते हैं यूआई में और अब आकर इसमें हम ऐड करते हैं जी इमेज सोर्स यूआई sim.png और क्लास नेम है जी हमारे पास एब्सोल्यूट और सिम क्लास लगा देते हैं इसके बाद हम आते हैं फॉर्म में .cc.sim और रिफ्रेश करते हैं जी तो हमारे पास जो सिम कार्ड है वो भी यहां पर आ गया है उसके बाद
हमारे पास जो फोटोशॉप में हमने इसको चेंज किया था, हम इसको रोटेट करना भूल गए। हम कहते हैं इमेज रोटेशन 90 क्लॉकवाइज, और एक बार फिर इसको सेव फॉर वेब, और मे भी इसको अभी के लिए वाइट ओवरले ही रहने देते हैं ताकि ये हमें प्रोमिनेंट नज़र आता रहे वहाँ पर। तो इसको दोबारा से सेव करते हैं और यूआई में सिम से इसको रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद रिफ़्रेश करते हैं, हमारे पास सिम यहाँ पर आ चुका है। इसको सेलेक्ट करते हैं और सिम की जो हाइट है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं टॉप से 20 और लेफ्ट से भी 20। उसके बाद हमें इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी चाहिए, और ओके गुड, इसकी देते हैं ओपेसिटी 0.8, और इसकी सीएसएस भी कॉपी करके अपने सीएसएस में सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमें चाहिए है नीचे डिजिट्स core.js, और इसमें हम आके करते हैं div क्लास नेम, और इसको ऐड करते हैं card या num, और उसके बाद absolute, और इसमें हमारे पास जो digits हैं वो हैं 0 let's say 1 2 3 4 space 5 6 7 8 space 9 8 7 6 और 5 4 3 2, क्योंकि 16 डिजिट्स होते हैं नॉर्मली। तो अब इसको CSS में ऐड करते हैं .form.cc.num, और इसके बाद जो हमारे पास डिजिट्स हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। हम करते हैं बॉटम 20 पिक्सल लेफ्ट 20 पिक्सल राइट, लेफ्ट 20 पिक्सल्स राइट 20 पिक्सल्स, हाँ 20 पिक्सल्स, और ये बॉटम है, बॉटम 20 पिक्सल्स लेफ्ट 20 पिक्सल्स राइट 20 पिक्सल्स, ओके। उसके बाद कलर देते हैं इसको वाइट, और इसको जो फॉन्ट फैमिली है वो देते हैं कोरियर, और फॉन्ट साइज देते हैं इसका थोड़ा सा बड़ा, और फॉन्ट वेट देते हैं बोल्ड। उसके बाद जो इसकी लाइन और मे बी वर्ड स्पेसिंग जो है, या अभी के लिए ठीक है। उसके बाद इसको करते हैं सेलेक्ट और नम में इसको सेव कर लेते हैं जी। और यहाँ पर एक चीज़ और वो ये कि अगर मैं इसमें h2 और div एक लगाता हूँ और उसको देता हूँ नेम, और उसमें सेलेक्ट करता हूँ m और मे बी कैमरान वॉच दानी, और जो मेरे पास नम है उसमें कहता हूँ form.cc.num.name। उसके बाद रिफ़्रेश करते हैं जी, हमारे पास नाम भी ऐड हो चुका है और हमारे पास जो नंबर है वो भी ऐड हो चुका है। जस्ट इसको बॉटम से 15 पिक्सल्स कर देते हैं ताकि ये इस पर परफेक्टली अलाइनमेंट हो जाए। बॉटम 15 पिक्सल्स, ओके। यहाँ तक हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है का जो फ्रंट डिज़ाइन है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हमने इसका जो हमारे पास फ्रंट है इसका जो बैकग्राउंड है वो हमने इसमें वेरी क्विकली ऐड करना है। तो उसके लिए हमें जस्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ऐड करना है, प्रॉप्स, और उसके बाद सुपर प्रॉप्स, और हम इसमें स्टेट चेक करते हैं। हम कहते हैं दिस डॉट स्टेट इक्वल्स फेस, और इसको हम देते हैं फ्रंट। तो उसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, और इस रिएक्ट फ्रैगमेंट में, और मे बी इसको हम जस्ट डिव से ही रैप अप कर देते हैं। डिव क्लास नेम सीसी फेस, और
इसको सीसी फेस को अंदर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद मेरे पास जो डॉट फॉर्म डॉट सीसी फेस है, इसको करते हैं टॉप से 0 पिक्सल, लेफ्ट से 0 पिक्सल, राइट से 0 पिक्सल और बॉटम से भी 0 पिक्सल्स। रिफ्रेश करते हैं और अब आते हैं कोड डॉट जे एस में और यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं जी वॉर सेल्फ इक्वल्स दिस, हम कहते हैं जी सेल्फ डॉट स्टेट डॉट फेस इक्वल्स फ्रंट, तो फिर ये वाला div रेंडर होना है, अदरवाइज हम एक और div ऐड करेंगे, उसको हम देंगे बैक एब्सोल्यूट और हम करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद हमें इस बैक में चाहिए है div क्लास नेम इक्वल्स bb फॉर ब्लैक बार और इसको एब्सोल्यूट पोजीशन देते हैं जी। उसके बाद हमें नीचे चाहिए है div क्लास नेम cbb और इसको भी एब्सोल्यूट पोजीशन देते हैं। और उसके बाद हमें इस cbb में एक्चुअली दो और मे बी हम इसको और तरह से करते हैं कि cbb का एक ब्लॉक बना लेते हैं और एक ब्लॉक बनाते हैं साइन का। अब जो हमारे पास फेस है उसको बैक में चेंज कर देते हैं और वापस आते हैं फॉर्म में, कहते हैं फॉर्म डॉट सीसी डॉट बैक और बैक में हमारे पास है ब्लैक बार और उसमें है हमारे पास साइन और उसमें है हमारे पास cvv। बैक को भी हम सीसी फेस की तरह टॉप 0 और लेफ्ट से 0 पिक्सल्स दे देते हैं जी, क्योंकि ये पैरेंट है। रिफ्रेश करते हैं और इंस्पेक्ट बैक में बीबी को सिलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं टॉप से 20 पिक्सल्स, लेफ्ट से 0, राइट से 0 पिक्सल्स और हाइट है इसकी 30 पिक्सल्स और बैकग्राउंड है डार्क। उसके बाद 40 पिक्सल्स ठीक रहेगा। उसके बाद हम इसको करते हैं जी कॉपी और कॉपी करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। साइन में आते हैं, साइन में भी हमारे पास एक्चुअली ब्लैक बार वाला ही CSS यूज़ होना है। हम इसको कॉपी करते हैं साइन में और जस्ट इसका जो टॉप है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और लेफ़्ट से भी थोड़ा सा बढ़ाना है और राइट जो है उसकी जगह हमने देना है विड्थ लाइक 200 पिक्सल्स और मे बी थोड़ा सा कम और इसकी हाइट उससे कम है। उसके बाद जो इसका बैकग्राउंड है वो काइंड ऑफ येलोइश वाइट है और इसकी CSS भी कॉपी कर लेते हैं, साइन में सेव कर लेते हैं और इसी के CSS CVV में ऐड करके जो लेफ़्ट है इसमें हम 200 थोड़ा सा इसमें मार्जिन देते हैं और ये हमारे पास CVV ऐड हो गया है। अब करते हैं इसको सेव, तो हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड का फ्रंट और बैक है वो ऐड हो गया है। अब इसमें हम क्विकली जो CC है इसके नीचे हम div क्लास नेम या सॉरी इसमें ऐड करते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट वैल्यू नथिंग और प्लेस होल्डर हम देते हैं जी 0000000000 और 000000 और उसके बाद इसका क्लास नेम देते हैं हम सीसी नम और इसके बाद हमें चाहिए है सीसी सीवीवी। अभी हम एक्सपायरी ऐड नहीं करते क्योंकि हमारा पर्पस है जस्ट फोकस करने पर इसको एनिमेट करना। आईपोर्ट उसके बाद आ जाते हैं जी वापस और हम करते हैं डॉट फॉर्म और उसमें है हमारे पास डॉट आईपोर्ट, इसको कर लेते हैं सेव
रिफ़्रेश करते हैं और हमारे पास जो आईपुट है इसको हम करते हैं, आई गेस इसको हमें ना एक पैरेंट में रैप अप करना चाहिए और हम इसको कहते हैं आईपुट और मे बी आई बॉक्स कह देते हैं। और इसके बाद हम आते हैं कोर में और हम कहते हैं डॉट फॉर्म डॉट आई बॉक्स। इस आई बॉक्स का पैरेंट देने का जस्ट पर्पज़ ये है कि हम इसको सेंटर अलाइन कर सकें। हम करते हैं विड्थ 400 पिक्सल्स, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल्स, राइट से 8, बॉटम से 0 और लेफ्ट से भी 8। और उसके बाद आई पुट को सिलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं विड्थ 100% और आई बॉक्स की जो विड्थ है उसको हम कम करते जाते हैं ताकि वो सी वी वी तक आ जाए। उसके बाद आई पुट को हम सिलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं पैडिंग 10 पिक्सल्स और बॉर्डर रेडियस है हमारे पास 5 पिक्सल्स और बॉर्डर है हमारे पास 0 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम है हमारे पास 10 और बॉक्स शेडो है हमारे पास 1 पिक्सल्स 0। उसके बाद जो हमारे पास बॉर्डर रेडियस है इसको हम लाइट ग्रे में चेंज कर लेते हैं ताकि ये माइनर सा हमें चेंज आ जाए। उसके बाद हम इसका करते हैं फॉन्ट फैमिली कोरियर, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स, लाइन हाइट 1 और इसको इसका जो आउटलाइन है उसको भी नन कर देते हैं। इसको करते हैं जी कॉपी और आई पुट पर ला कर सेव कर लेते हैं। यहाँ तक हमारे पास जो जो आई बॉक्स है उसकी विड्थ है 200 पिक्सल्स, मार्जिन है 0 8 और मार्जिन टॉप है 20 पिक्सल्स 8 0 8 और इसकी विड्थ है 290 पिक्सल्स। इसको कॉपी करते हैं आई बॉक्स में, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड का बॉक्स है वो भी बन चुका है। और अभी हम इसको करते हैं फ्रंट, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फ्रंट का फ्रंट की जो एनिमेशन है वो ऐड हो। अब हमने इसको समहाउ समहाउ एनिमेट करना है कि जब मैं इसके क्रेडिट कार्ड नंबर में फोकस करूं तो इसका फ्रंट एनिमेट हो और जब इसका और अगर मैं इसके सीवीवी में फोकस करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली बैक में एनिमेट हो। तो उसके लिए हम इसमें CSS क्लास ऐड करेंगे और जब हम इसमें CSS क्लास ऐड करेंगे रोटेशन के लिए लाइक मैं इसमें करता हूँ कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड माउंट में इसमें हम करते हैं डॉलर डॉट फॉर्म डॉट CCNum डॉट ऑन फोकस फंक्शन और उसके बाद इसको करेंगे जस्ट कंसोल डॉट लॉग फ्रंट व्यू और जब हमारे पास CCCVV फोकस होगा तो हम कहेंगे बैक व्यू। रिफ्रेश करते हैं, इसमें कंसोल में जाते हैं और उसको फोकस करते हैं तो हमारे पास फ्रंट व्यू आ रहा है और जब हम CVV को फोकस करते हैं तो बैक व्यू आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो बैकग्राउंड है इसका उसको हमने रोटेट करना है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ क्रेडिट कार्ड को
और इसमें हम ऐड करते हैं ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स और इसमें देते हैं 0 डिग्री। जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो एक्चुअली हमने इसको वाई पर रोटेट करना है लाइक 0, तो अब मैं कहता हूँ 0 से हमने इसको एनिमेट करना है 90 पर और वापस हमने इसको एनिमेट करना है 0 पर। तो इसके लिए हम जो हमारे पास जेक्यूरी की लाइब्रेरी है ट्रांजिट वो यूज़ करेंगे और हम इसमें ऐड करते हैं $.form.cc और जो cc है हमारे पास हम इसमें ऐड करेंगे .transition और ट्रांजिशन है हमारे पास रोटेट वाई और उसमें हम देंगे लेट्स से 90 डिग्री और इसको चेक करते हैं। जब मैं इसको फोकस करता हूँ तो ये ऐड रोटेट कर रहा है इसको 90 डिग्री पर। इसमें हम इसमें कंप्लीट फंक्शन ऐड करते हैं कि ये इसको वापस ट्रांजिशन में रोटेट कर दे। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं तो ये एनिमेट हो रहा है रोटेशन में, लेकिन जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं जी बैक व्यू को तो इस में इसको दोबारा से यही एनिमेशन चेंज करनी है। उसके बाद हमने करना है सेल्फ डॉट सेट स्टेट और यहाँ पर वॉर सेल्फ इक्वल्स दिस है और उसमें हमारे पास फेस है फ्रंट और जो हमारे पास CVV है उसमें हमारे पास फेस है बैक। रिफ्रेश करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास फ्रंट एनिमेट हो रहा है और जब CVV को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास बैक एनिमेट हो रहा है। दोबारा से फ्रंट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास फ्रंट रोटेट होकर आ रहा है और जब हम CVV को सेलेक्ट करते हैं तो उसका बैक रोटेट होकर आ रहा है। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ करनी है कि हमने इसके एलिमेंट्स को 1 by 1 अपडेट करना है ताकि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जो कह लें कि एनिमेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेक्टिव या लाइफ उसमें फील होगी। लाइक मैं अगर इसका सेलेक्ट करता हूँ कोड इनपुट तो फ्रंट मेरे पास आ रहा है और बैक करता हूं तो बैक इनपुट आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इसका लोगो है सबसे पहले इसको एनिमेट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास C1 है इसको हम करते हैं ट्रांसफॉर्म स्केल 0 और जो C2 है उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 0 पिक्सल और थोड़ा सा नेगेटिव पर ले जाते हैं और इसकी जो ओपेसिटी है उसको भी 0 कर देते हैं। इसकी क्योंकि ये एनिमेशन हमने फिर ट्रांजिट के ज़रिए वापस लानी है तो हम इसमें अब C2 में इसको अपडेट कर देंगे और जो C1 है इसको भी अपडेट कर देंगे। तो अब अगर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश तो मेरे पास जो
लोगो है वो हाइड हो चुका है, वो इस वजह से कि इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट स्केलिंग है ट्रांसफॉर्म वो हमने चेंज कर दी है। तो हमने उसमें ये सेटअप करना है कि अपडेट जो हमारे पास लोगो है, जब हम इसको फोकस करें तो इसकी जो लोगो एनिमेशन है वो एनिमेट हो। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी ऑन फोकस डॉलर डॉट फॉर्म डॉट सी सी डॉट सी वन, और उसकी क्योंकि हमने स्केलिंग चेंज की है तो हम उसको करते हैं ट्रांजिशन, और स्केल जो है वो वन है। जस्ट इसी को चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जो एनिमेशन है वो स्केल हो रही है, और जब सी वी वी पर सेलेक्ट करते हैं तो वो दोबारा से शो हो रहा है। वापस आते हैं कोड में तो अभी हमारे पास जो स्केलिंग है वो स्केल हो रही है। उसके बाद जो हमारे पास सी टू है, सर्कल टू, उसको हम करते हैं ट्रांजिशन, और उसका जो हमने ट्रांसलेट एक्स किया है -10 pixels वो हम कर देंगे 0, और जो ओपेसिटी है वो होगी 1। दोबारा से रीलोड करते हैं इसको, करते हैं फोकस पहले सी वी वी को और अब कोड को, तो उसमें आप देख रहे हैं कि वो एनिमेट हो रहा है, प्लस जो हमारे पास इसका सर्कल है वो भी एनिमेट हो रहा है। दोबारा से फोकस करते हैं तो हमें उसकी जो एनिमेशन है वो फील हो रही है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो है इसकी ड्यूरेशन, ताकि हमें इसकी जो स्केलिंग है वो फील होनी चाहिए। तो हम कहते हैं इसको स्केलिंग की ड्यूरेशन होनी चाहिए लेट्स से 500 मिलीसेकंड, और इसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए 1 second। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं पहले सी वी वी को और उसके बाद कोड को, तो हमारे पास जो एनिमेशन है अब हमें प्रॉपर फील हो रही है। उससे पहले हमें नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी जो टाइमिंग है वो हमने इंक्रीज़ की है। उसके बाद हमें चाहिए है जो सी वी वी का बैकग्राउंड है उसको हमने एनिमेट करना है। इसको करते हैं इंस्पेक्ट। अब जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड है उसको हम सेलेक्ट करके कहते हैं ओवरफ्लो हिडन, ताकि जो इसकी एनिमेशन है वो हमारे पास प्रॉपर शो हो। तो हमारे पास जो ब्लैक बार है उसको करते हैं हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 0 pixels, और इसको नेगेटिव में ऑलमोस्ट 350 में ले जाते हैं, और इसको CSS में ऐड करते हैं ब्लैक बैकग्राउंड को। और उसके बाद जो हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड है बीबी, उसकी ट्रांजिशन एक्स है 0 और उसकी ड्यूरेशन है 1 millisecond, और ये एक्चुअली आएगा हमारे पास CVV फोकस में। तो अब हम कहते हैं CVV फोकस, तो एनिमेशन हमारे पास एनिमेट हो रही है, और चूंकि हमने इसका ओवरफ्लो हिडन नहीं दिया, जो कि एज यूजुअल मैं मिस कर गया हूँ, मैं CCC में आता हूँ, मैं कहता हूँ ओवरफ्लो हिडन। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और अब CVV को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो बार है वो एनिमेट हो रही है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन थोड़ी स्लो है, तो इसको करते हैं 500 मिलीसेकंड। दोबारा से CVV को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ब्लैक बार एनिमेट हो रही है, जब हम कोड को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास लोगो एनिमेट हो रहा है। वापस CVV में हम बैक एंड फोर्थ करके एनिमेशन एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से आप एलिमेंट बाय एलिमेंट अपने क्रेडिट कार्ड को एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन हम वेरी क्विकली जो हमारे पास सिम है इसको भी हम इसका ट्रांसफॉर्म स्केल है उसको कर देते हैं 0 और सिम। दोबारा से कोड और JS को सेलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जनाब हमारे पास
सीसी में जो सिम है उसका स्केल हम करते हैं पहले 1.1 और इसकी ड्यूरेशन देते हैं हम 200 और उसके बाद एक और चेन इसमें ऐड करते हैं और इसको कहते हैं जी स्केल 400 और 1। इससे ये होगा कि ये हमें बबल इफ़ेक्ट देगा। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ सीवीवी को तो हमारे पास बार एनिमेट हो रही है, कोड को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो स्केल है वो एनिमेट हो रहा है। तो मैं इसकी एनिमेशन 600 पर ले जाता हूँ और इसको 1000 पर, ताकि हमारे पास जो उसकी रोटेशन है वो हमें शो हो। हमारे पास सीवीवी आ गया और उसके बाद हम कोड को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये सिम कार्ड और लोगो एनिमेट हो रहा है। तो हम इस तरह से बहुत से एलिमेंट्स, और इनफैक्ट आप एक एक चीज़ को लाइक ऊपर आपके पास यूज़र नेम है आप ये ऐड कर एनिमेट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जो डिजिट्स हैं इसको आप एनिमेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो सीवीवी के पास आपके पास जो ये सिग्नेचर बार और सीवीवी का बार है इसको भी आप एनिमेट कर सकते हैं। और इस तरह से आप इंटरेक्टिव जो इनपुट फॉर्म है वो आप बना सकते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और मैं बहुत जल्द एक सोशल मीडिया ऐप का ट्यूटोरियल सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। और जो जो लोग रिएक्ट नेटिव से सोशल ऐप बनाना सीखना चाहते हैं तो वो मुझे इनबॉक्स करें या फिर कमेंट में अपना नाम मेंशन करें, ताकि मैं जब वो लाइव सेशन स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको इनवाइट कर लूँ। तो उसके बाद हम उस ऐप को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और उसमें जो भी सोशल फीचर्स हैं लाइक न्यूज़ फीड वगैरह और मैसेजिंग। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।